108 एम्बुलेंस कर्मियों को कंपनी द्वारा हटा दिए जाने के बाद बेरोजगार हुए एम्बुलेंस कर्मियों का पिछले 25 जनवरी से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। इसको लेकर एम्बुलेंस कर्मियों ने पटना के अनिशाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हजारों की संख्या में 108 नंबर का एम्बुलेंस लेकर आक्रोश मार्च निकाला है और सरकार से बेरोजगार हुए एम्बुलेंस कर्मियों को फिर से बहाल किए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र कुमार EMT हुआ। अच्छा, क्या है आप? 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं, टेक्नीशियन हैं। अच्छा, क्यों धरना पे बैठे हुए हैं आप लोग? धरना पे हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि 108 एम्बुलेंस के जो कर्मचारी हैं, जिसमें ड्राइवर होते हैं, एक सहायक होते हैं, एक टेक्नीशियन होते हैं, लगातार हम लोग 10 वर्षों से आम पब्लिक, पटना का आम जनता को सेवा देते हुए आ रहे हुए हैं और आज हमें एकाएक टर्मिनेटर लेटर दिया जाता है कि आप लोग का ये सेवा समाप्त हुआ, आप लोग अब बेरोजगार हो गए, ऐसे सीधा बोला जाता है। तो हम लोग धरना पे इसलिए बैठे कि 10 साल जो अपना एक 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 पल इस सेवा में गुजार दिए, तो आज हम लोग कहाँ जाएं। इसी वजह से हम लोग धरना बैठे हैं कि सरकार हम लोग का कुछ सोचे, हम लोग को बेरोजगार हो गए तो रोजगार देने का काम करें। अभी तक कोई आश्वासन मिला है या नहीं? कोई मिलने आया है कि नहीं ऊपर से अधिकारी से? लगातार हम लोग 10 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार का कोई कर्मचारी या स्वास्थ्य विभाग हो या किसी भी विभाग से कोई कर्मचारी हम लोग के पास मिलने तक नहीं आया कि आप लोग क्यों बैठे हैं, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। कोई सुनवाई नहीं, कोई मतलब कोई आश्वासन क्या मिलने नहीं आया, तो आश्वासन क्या देंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मिथुन कुमार हुआ, 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं, EMT के पोस्ट पर। धरना पे क्यों बैठे हुए हैं और कितने दिन से बैठे हुए हैं? हम धरना पे 25 जनवरी से बैठे हुए हैं। 25 जनवरी 2019 से धरना पे लगातार बैठे हुए हैं और हमारी सरकार से एक छोटी सी मांग है, इस कारण से हम बैठे हुए हैं। हमारी मांग कोई विशेष भी नहीं है, हमारी मांग है कि जो कंपनी चला रही थी चिकित्सा हेल्थ केयर, सरकार से एग्रीमेंट था उसका जो 2009 में हुआ था 27 फरवरी को, और ये 2019 में 27 फरवरी को समाप्त हो रहा है। 2000 मतलब 10 साल का टेंडर था पूरा, और एकाएक हम लोगों को इसका टर्मिनेट लेटर दे दिया गया है। पहले हमको कंपनी ये चीज़ की जानकारी नहीं दी थी कि हमारी सरकार से 10 साल के भी मतलब कॉन्टेक्ट है। हम लोग निश्चिंत होकर काम कर रहे थे, जनता के बीच सेवा दे रहे थे, अचानक हमको ये मतलब टर्मिनेट लेटर दिया गया कि हाँ इसका मतलब सेवा समाप्त हो गया, मतलब बिहार से इस कंपनी का, और आप लोग मतलब अपना नौकरी खोज रहे हैं। इस कारण से हम लोग बैठे हुए हैं धरना पर। उनका कहना था कि सरकार जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं करेगी, तब तक वे हक की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। पटना से ज्योत्सना कुमारी के साथ न्यूज़ क्राइम 24 की रिपोर्ट।